नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। भागलपुर जिले में गंगा के बाद अब कोसी ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। भागलपुर नगुछिया के मदरौनी में कोसी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पूरा मदरौनी गांव कोसी के पानी से जलमग्न हो चुका है। लोग जो ग्रामीण हैं वे ऊंचे स्थानों पर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। लगातार जो निचला इलाका है मदरौनी गांव का, वह पूरी तरह जलमग्न हो गया है। हम तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग जो निचले इलाके में रह रहे हैं उनका मकान पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसके बाद वे छतों पर अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि उनकी नियति बन गई है। 1971 के बाद से लगातार यहाँ पर कोसी का दंश इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। देखिए, ग्रामीण और जो यहाँ के मुखिया हैं वह क्या कह रहे हैं। बाढ़ का भयावह स्थिति है, रहने सहने में जो है किसी तरह जो है ऊंचे स्थान पर लोग जो पलायन कर रहे हैं और यहाँ जो तत्काल प्रभाव करके सूखा राशन मुहैया कराया जाए। जान माल का खतरा है, माल मवेशी को खाने पीने का दिक्कत है, उसके लिए जो है भूसा घास का व्यवस्था किया जाए। कहाँ पर मवेशी है? मवेशी जो है उसे ऊंचे स्थान पर लेकर चला गया है लोग अपना अपना। कितने सालों से ये जो है उस सन 1971 ईस्वी से लगातार बाढ़ की समस्या बनी हुई है। कितने एकड़ फसल जो है बर्बाद? अभी जो है लगभग 300 एकड़ जमीन में जो फसल लगा हुआ था, मक्का का फसल, जो कि डूब चुका है। कुछ लोग जो है नाव पर अपना जो है भूटा तोड़ के निकाल रहे हैं, तो देखिए जो है रास्ते में देखिए थोड़ा सा निकाला है, सब खेत डूब गया। कितने घरों में पानी गया होगा? पानी जो है लगभग 400 घर में चला गया है सर। अब आज रात में जो क्या होता है, भयावह स्थिति है। रात भर में जो है लगता है पूरा जलमग्न हो जाएगा। पूर्वी टोला में भी जो है पूरा पानी जो प्रवेश कर, देखिए ये पानी जो है कल से आना गांव में प्रवेश करना स्टार्ट हुआ है। 71 में सबसे पहले हमारे यहाँ बाढ़ त्रासदी हुई थी, जिसमें कि बांध टूट करके ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद से तो हम लोग ये लीला आज से 40 वर्ष से लगभग इस तरह की स्थिति हम लोगों के साथ में सब दिन से बनी रहती है। और इसके लिए हमने कई बार उप मुख्यमंत्री जी को भी बोला था, जिस समय की हमारे बीजेपी की सरकार थी तो उस समय में भी हमने बोला था, लेकिन आज तक सरकार के कान जागरूक नहीं हो पाई है। सरकार यदि सरकार यहाँ एक सिर्फ रिंग बांध का निर्माण करवा दिया जाए तो 5 पंचायत जो हाईली अफेक्टेड होते हैं उन सब में 20 करोड़ की सरकार की राजस्व हर वर्ष बर्बाद होती है। तो हमें लगता है कि यदि 100-150 करोड़ की लागत से यदि रिंग बांध का निर्माण करवा दिया जाए तो उसके बाद इस सरकार के जो राजस्व है इसकी क्षति हर वर्ष होने से सरकार को बचाव हो सकता है। रिंग बांध जो है सो आपको ये सधवा साधोपुर साधोपुर से लेकर के सहोड़ा तक बनना है, जिसके लिए कि प्रस्ताव भी आया था, बोला गया था कि जमीन अधिग्रहण होगा, लेकिन आज तक तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी किलोमीटर देखिए, किलोमीटर तो कहा जाए तो 2 से 3 किलोमीटर का लगभग का बांध होगा। अभी बाढ़ का आ चुका है गांव में, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ में तो सारे लोग हम लोग तबाह हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है रहने सहने की, खाने पीने की। तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार से हमारी पहली मांग ये है कि सभी लोगों को अविलंब रूप से पॉलिथीन मुहैया कराया जाए और बाढ़ रिलीफ के तौर पर तत्काल तौर पर जो तत्काल राहत होता है, जो चूड़ा गुड़ शक्कर, ये सब की मांग हमारे द्वारा की जाती है, सरकार से की जा रही है। और रिंग बांध तो मेन प्रायोरिटी है कि हमारा रिंग बांध। घरों में पानी गई है अभी लगभग 400 से 500 घरों में पानी इन कर गया है, लेकिन संभावना है कि आज रात तक में पूर्वी टोला का भी जो 400 घर है वो भी पानी से पूर्णतया प्रभावित होगा। सॉरी, अजीत सिंह मदरौनी मुखिया। 52 वर्ष से अधिक समय से लगातार कोसी के दंश को झेल रहे भागलपुर नगुछिया के मदरौनी पंचायत के हजारों की आबादी का साफ कहना है कि यदि बिहार सरकार और जिला प्रशासन उनकी मदद करें और एक रिंग बांध बना दें तो उनको कोसी के दंश से मुक्ति मिल जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्ट्रीम मदरौनी।